है? हाँ? कुछ कह रही है क्या तू? नहीं, कब? मेरे को ऐसा लगा तूने कुछ खा अभी। नहीं, लेफ्ट ले, राइट, सॉरी, राइट। यार क्या लेफ्ट राइट, कुछ दिख रहा है क्या? ना लेफ्ट में कुछ दिख रहा है ना राइट में कुछ दिख रहा है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ आ गए हम लोग। अरे तो क्या करे, अभी होटल में 10 किलोमीटर बचे हुए हैं। 10 किलोमीटर ना बहुत होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं 10 किलोमीटर। कुछ हो गया तो रास्ते में थोड़ी देर नहीं यहीं रुक जाते हैं। अरे यहाँ कैसे रुक सकते हैं, यहाँ रिस्क नहीं है। किसी ने गाड़ी का शीशा फोड़ के मेरा सर तोड़ दिया तो? ये ले, मैं लॉक कर देता हूँ गाड़ी को, ले अब कोई तेरा सर नहीं फोड़ेगा। थोड़ी देर ऐसे कमर सीधी कर लेंगे, ऐसे पैर फैला लेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। ये आवाज सुन तूने? हम पक्का किसी जंगल में है। अरे यार मेरे फोन की रिंगटोन है ये, मैसेज टोन। आवाज सुनी पागल? ऐसे सॉरी, सुनना मेरी बात, बस पांच मिनट ऐसे लेटेंगे यहाँ पे, कमर सीधी हो जाएगी, पैर ऐसे सीधे हो जाएंगे, फिर मैं यूं पहुंचा दूंगा मनाली, पक्का प्रॉमिस, बस 5 मिनट। ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट। ये साइड में लगा लेते हैं यहीं पे, एक तो कुछ दिख नहीं रहा साइड कहाँ है, साइड में ये लगता है। गाड़ी बंद कर देता हूँ, 5 मिनट ही आराम कर लेते हैं। होटल बुक करा था, इतने दिन से उनसे रिजर्वेशन करवाए थे, सब वेस्ट हो गया सब। अब एटलीस्ट मुझे ब्रेकफास्ट तो मिस मत कर दे, मेरा ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, चल आ जा। यार कहाँ आ गए यार? ओहो यही रास्ता है, पहाड़ों में ऐसे होते रास्ते। यार मुझे नहीं, रास्ता गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। अरे तू आया है क्या कभी यहाँ पे, तुझे को गलत लग रहा है? वो बंदा खड़ा है ना, उससे पूछते हैं। जो मैंने मैप खोल रखा है। अरे मैप, लोकल लोगों को सब पता होता है। भाई साहब ये मनाली का रास्ता किधर से है? मनाली में कहाँ जाना है भाई जी? हमें तो घूमने जाना है भैया, यहाँ पे वैसे घूमने की क्या क्या जगह है अच्छी अच्छी? तो मैं बताता हूँ ना आपको, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं आपको एक एक जगह घुमा दूंगा यहाँ की। तो कितने पैसे लोगे आप? पैसे 500 दे देना। 500 तो ज्यादा है भैया, 300 रुपए दे देंगे। अरे क्या जरूरत है, मैप है तो। अरे ये लोग यहाँ के लोकल गाइड होते हैं, इनको सब पता होता है, और ये मैप पे भरोसा मत कर यहाँ पे। चलिए ठीक है, आइए दीदी पीछे आइए, आ जाओ। चलिए आ जाओ भैया। और आप लोग मनाली घूमने जा रहे हैं, आपको पता मनाली क्यों फेमस है? क्यों? मनाली कवाली की वजह से ही तो मनाली फेमस है। मनाली कवाली वो लगती माधुरी, और माधुरी भी तो मनाली की ही है। अरे भैया लेकिन माधुरी तो साउथ की है दीदी। माधुरी पली बड़ी साउथ में, पर ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उसकी पैदाइश उत्तराखंड की है। भैया लेकिन मनाली तो हिमाचल में है। अच्छा मनाली हिमाचल में, और क्या, मुझे लगा उत्तराखंड में। खैर आपको माधुरी से क्या करना है, आपको तो मनाली जाना है ना, तो आगे से लेफ्ट ले लेना। मयंक रसमस्ता गसमलत लसमगरा हैस्मै है? अरे रसमस्ता गसमलत लसमगरा हैस्मै नस्मै दीस्मै दी एस्मै एकदम ससमै रसमस्ता हैस्मै। भाई जी बस रुक दो। भाई जी आप एक काम करो, यहाँ से यूटर्न लेके सीधा 25 किलोमीटर चले जाना, वहां पे आपको एक मेन रोड मिलेगी, आप किसी से भी पूछ लेना मनाली का रास्ता, आपको कोई भी बता देगा। लाओ मेरे पैसे दो। हाँ। भाई जी इतना दूर लेके आया, 500 रुपए तो बनते हैं। भैया देखो हमारी 300 में बात हुई थी, तो मैं तो बस 300 ही दूंगा। चलो ठीक है। अच्छा भैया हम इतनी दूर आ गए, आप वापस कैसे जाओगे अकेले? अरे मुझे कहाँ जाना है, मेरा घर तो ये रहा। और हाँ रास्ते में अगर आप दोनों को कोई रोके तो रुकना मत, यहाँ बहुत सारे ठग लोग घूमते रहते हैं। चलो ठीक है मैं चलता हूँ।
हमने एक बंदे को 25 किलोमीटर ऑफ रोड जाकर लिफ्ट दी, उसके घर के सामने उसे छोड़ा और उसे 500 रुपए भी दिए। 300? हाँ 300। और मुझे नहीं, रास्ता गलत लग रहा है, एक बार मैप खोल के देखियो। यार इतना सुंदर होटल है ना, इतने सारे सेब के पेड़ है यार इधर तो, है पर इतना महंगा होटल करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या खर्चा, बहुत इकोनॉमिकल होटल है, मैं सब कुछ प्लान करके आई हूँ। और वैसे भी पैसे की क्या टेंशन है, बिनोमो है ना। बिनोमो? ओफो, तो ये देख, ये है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप। ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में ही अवेलेबल है। इसमें हम बिग कंपनीज जैसे गूगल और अमेज़न के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अरे कुछ भी नहीं, बस समय समय के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यू का ग्राफ फोरकास्ट करना होता है कि वैल्यू अप जाएगी या डाउन। जैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि वैल्यू अप जाएगा, ठीक है, तो मैंने 700 रुपीज का फोरकास्ट ऐप में लगा दिया। अब हमें बस थोड़ा सा वेट करना है। अरे ये देख, स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो गया, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब बस ये अमाउंट मैं 24 आवर्स के अंदर अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में विड्रॉ कर सकती हूँ। पर एक बात बता, इसमें तो बहुत पैसे लगाने पड़ते होंगे ना? अरे कुछ भी नहीं यार, इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपका डिपॉजिट डबल भी हो जाएगा। और तो और, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अगर बिनोमो डाउनलोड करेंगे तो हमें मिलेंगे 65,000 रुपीज डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के लिए, और नई नई स्ट्रेटजीज भी सीख सकते हैं इससे। सही है यार, ये तो मैं भी डाउनलोड करता हूँ। हेलो मैम, हेलो सर, कैसी रही आपकी ट्रिप? आप दोनों मेरे साथ अपने रूम में चलिए, मैं आपके लगेज को आपके रूम तक पहुँचा देता हूँ। ओके जी, प्लीज। कल मयंक, हाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार हम इतनी दूर से आए हैं, तो बैठ के पबजी खेल रहा है, कम से कम नहा तो लेता, कपड़े बदल ले। अबे दिल्ली से इतनी दूर के मैं नहाने के लिए आया हूँ? तो दिल्ली से इतनी दूर के पबजी खेलने आया है? ले नहीं खेल रहा पबजी, चल माल रोड चल रहे हैं अभी। तो और क्या, क्या बात कर रहा है यार, 21 घंटे ड्राइव करके आए हैं, कम से कम मुझे 6 घंटे तो सोने दे। 21 घंटे की गाड़ी ना मैं चला के आया हूँ, तू नहीं। अरे थोड़ा मॉल रोड चलेंगे, मोमो शोमो खाएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, थोड़ा कोरोना वायरस की थर्ड वेव भी तो लानी है। चल ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ फिर चलते हैं। जा। सही बात तो है, मार्केट जाऊंगी, अपनी फोटो खिंचाऊंगी, कितना मजा आएगा, यहाँ सो रहे थोड़ी आए हैं। चल मयंक जल्दी चलते हैं वरना मार्केट बंद हो जाएगी। मयंक फो, क्या कर रहा है? अरे यार ये जैकेट देखो कितनी कूल लग रही है। अरे पर तू तो घर से जैकेट लाया है ना। अरे पर हिमाचल में आए तो हिमाचली कपड़े पहनते हैं ना, है कितना कूल लगेगा। ये हिमाचली कपड़े थोड़ी हैं, कौन से हिमाचली को देखा है तूने ये ऐसे जैकेट पहनते हुए, ये हिप्पी क्लोथ्स होते हैं। यार ये कितना कूल लगेगा, मैं तो ले रहा हूँ, देख तू अंदर जाके पेमेंट कर दे। स्वरा, अरे उठ जा स्वरा, अरे स्वरा उठ जा यार, चेकआउट का टाइम हो गया, इतनी देर से उठाए जा रहा हूँ। ओ सॉरी सॉरी, बस रेडी हो रही हूँ मैं, ठीक है जल्दी कर। अरे कितना टाइम और लगेगा, अरे क्या कर रही है, अब तू नहाएगी भी, 4 घंटे अब नहाने में लगाएगी। अरे बस 5 मिनट में नहा रही हूँ, बस 5 मिनट। 5 मिनट इतना लेट हो गया? अरे आ गई मैं आ गई। चल रेडी, फाइनली चल। लेट नहीं हो रहा?
मैं तेरी तरह टाइम थोड़ी लगाता हूँ, मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैं हमारा ड्रायर शायद आपके बैग में गलती से आ गया है। अरे ऐसे कैसे है? अब क्या हम चोर है क्या? अरे कुछ भी बोलते हो तुम लोग। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा, शायद गलती से आपके पास चला गया होगा। अच्छा, अब कस्टमर गलती भी खुद करता है और चोरी भी खुद करता है। तुम लोग तो कोई गलती करते ही नहीं हो, तुम होटल वाले तो बिल्कुल एकदम धर्मात्मा हो ना। अरे तू चल अब तो, हे भगवान, मैं एक पल इस होटल में नहीं रहूंगा। तू चल सामान रख, तू क्या कर रही है? अरे मयंक क्या हो गया, एक बार इनको दिखा देते ना, जब हमारे पास है ही नहीं ड्रायर तो क्या मतलब है। अरे दिखाने से क्या, ये देखो भैया है कोई ड्रायर। मिल गया मैम, मिल गया, थैंक यू। कब जाएगी तेरी ये चोरी की आदत? अरे ये चोरी थोड़ी होती है, ये रिकवरी होती है। और इतना पैसा दिया यार ये होटल वालों को, इतना बनता है। मयंक तूने उनका टीवी भी चुरा लिया था, हमारी गाड़ी की डिग्गी में रखा हुआ था, वो तो उसने देखा नहीं। तभी समझ जाना चाहिए था जब सुबह दीवार पे सिर्फ तार लटक रहे थे। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों में ऐसी छोटी छोटी चोरियां होती रहती है मेरी सेनोरिटा। आगे देख के गाड़ी चला, वरना ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों में ना छोटी छोटी गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं। अरे यार एक तो मुझे ना इतनी जोर की भूख लग रही है, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा, कुछ खाते हैं। अरे तो मैंने ब्रेकफास्ट वाली पूरी पैक करवा ली थी, वो खाते ना। ब्रेकफास्ट यार तुम मम्मी है क्या? ब्रेकफास्ट वाली पूरी, अब पूरी खाने से वैसे मुझे गैस हो जाती है, मैं पूरी नहीं खाऊंगा। कुछ पहाड़ों का कुछ स्पेशल खाते है ना। अच्छा चल, तो फिर मैं कुछ ढूंढ लेती हूँ रेस्टोरेंट, ठीक है? तू बता तेरे को क्या खाना है। चाइनीज खाएगा? अरे नहीं नहीं, चाइनीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा तो भूटानीज? भूटानीज ऐसी भी कोई डिश होती है क्या? भूटानीज? अच्छा नहीं, कॉन्टिनेंटल खाएगा? जो वर्ड मुझे बोलना नहीं आता उसे मैं खाऊं कैसे? मेरे को नहीं खाने ये कॉन्टिनेंटल पेंटल। तो क्या खाएगा? कुछ स्पेशल, पहाड़ों का कुछ स्पेशल। तो एक काम करना, बाहर निकल के पत्थर खा ले, पहाड़ के स्पेशल गोल पत्थर। ओए वो देख, छोले बर्गर खाते हैं यार, मजा आ जाएगा एकदम। अरे छोले बर्गर कौन खाता है? अरे आना आना, बड़ा मजा आएगा। अरे यार स्ट्रीट फूड खाने का ही तो मजा आया है पहाड़ों में। अच्छा मस्त है ना हिमाचल की स्पेशल चीज ये छोला बर्गर। तो यही तो स्पेशल होता है यहाँ का, है? ये पहाड़ों का खूबसूरत व्यू और ये स्ट्रीट फूड। मैं तो कहता हूँ तू भी ट्राई कर, मजा आ जाएगा एकदम। अरे मेरे को नहीं खाना, देखियो कितना ऑयली है। बढ़िया ही ऑयली है, शहर की छोरी। यही खाने आते हैं लोग दूर दूर से यहाँ पे। हाँ तो तू खा लेना। हाँ तो मैं तो खाऊंगा ही। हाँ तो फिर बाद में ये मत कहियो, मैं तूने पूछा नहीं है, मैं खाने जा रहा हूँ। हाँ नहीं बोल। जी ये क्या लैटरिन? क्या हुआ, टेस्ट नहीं आया पहाड़ों की स्पेशल चीज? चलो मुझे नीचे उतार, लगता गलत जगह से खा लिया। उई मैया, ये छाता किसके लिए छोड़ के गई है? देख ये रेस्टोरेंट सही लग रहा है, यहाँ से खाते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं मिला ना तो मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा। हाँ जी मैम बताओ। भैया खाना हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा मैम। मोमोज हो जाएंगे? नहीं सर मोमोज नहीं हो पाएंगे। भैया रोटी सब्जी हो जाएगी? रोटी सब्जी नहीं मैम, नहीं हो पाएगी। तो पास्ता? पास्ता और यहाँ नहीं हो पाएगा सर। तो भैया क्या हो जाएगा आप ही बता दो। मैगी मिल जाएगी मैम। और चीज मैगी? अरे इसके अलावा कुछ और? ऑमलेट मैगी, फ्राइड मैगी, वेज मैगी, प्याज मैगी, आलू मैगी, गोभी मैगी। भैया मैगी के अलावा कुछ और होगा? मैगी के अलावा कुछ और? मैगी मसाला चलेगा? अरे यार सारे शहर खत्म हो गए, सारे गांव खत्म हो गए, पता नहीं कौन से रेगिस्तान में आ गए। इससे अच्छा तो वहां मैगी खा लेते। अब क्या चूज करूं, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एक ऑप्शन है, आखिर में पूरी काम आई ना। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। ओ यार देखियो सामने पहाड़ देखियो, क्या सुंदर व्यू आ रहा है यार। हाँ यार सुंदर तो बहुत है। एक काम करते,
फोटो खिंचवाते, मैं तेरी फोटो खींचूंगा, तू मेरी फोटो खींचो, मैंने बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं डाली। चल ठीक है, चल रुकू इधर साइड में रुकता हूँ। यार कितनी सुंदर जगह है, यहाँ से कितनी मस्त फोटो आएगी। मेरी खींचो एक दो फोटो। बढ़िया बढ़िया खींची जरा। ओके ओके एक मिनट एक ये वाला पोज ले, मैंने ये पहाड़ की ना चोटी पकड़ूंगा, ठीक है ऐसे रुक जा। अच्छा हाँ, अब ना ऐसे पहाड़ उठा रहा हूँ, ये लियो ले। उठा रहा है? उठा रहा हूँ पहाड़, उठ ले 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 ले। और एक ना ये वाले जिसमें ना मेरा जूता दिखे, ठीक है, और ऐसे पीछे पूरा पहाड़ दिखे, ये नदी दिखे और आसमान दिखे, ठीक है, ये ले। ओके हाँ ये देख, दिखा दिखा, ठीक है, बढ़िया है, चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं, मेरी फोटो तो ले। अच्छा तेरी भी लेनी है, ठीक है खड़ी रहे। ओके हो गई, अच्छा ये ले, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो खींच दिया, अब चलो जल्दी। अरे ये कैसी फोटो लिया है? अरे आजा आजा आजा। वो पहाड़ दिख रहा है तुझे? हाँ वो सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, हाँ। वहाँ जाना है हमें, ये ले। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या वो सबसे ऊपर? हाँ हाँ। अरे वहाँ तक गाड़ी कैसे जाएगी? अरे गाड़ी थोड़ी जाएगी, हम जाएंगे ट्रैक करके। ट्रैक करके मतलब पैदल? हाँ पैदल, ये रास्ता बना हुआ है ना इस पे से। ये कोई रास्ता है? अरे रास्ता तो वो होता है जहाँ तक गाड़ी जाती है, जैसे माल रोड, वहाँ चलते है ना। क्या माल रोड, माल रोड है, सब कुछ माल रोड पे ही है क्या? तू देखना कितना सुंदर है, आ जा हम चलते है। अरे यार आजा। अरे यार कहाँ लेके जा रही है, पेड़ पौधे जंगल में है, अब तो सीढ़ियां भी खत्म होगी, कैसा रास्ता आ गया। अरे भाग कर रही है, आराम आराम से चल यार, मेरा पहली बार है। आजा। अरे बस थोड़ी दूर का रास्ता रह गया है, और असली पहाड़ तो यही है। अगर मुझे किसी कीड़े ने काटा ना तब तेरे को बताऊंगा मैं। अरे अरे यार यार कहाँ आ गए हम, ये तो सारा जंगल है, इससे पहले मैं कोई जानवर खा जा, मैं क्या कहता हूँ वापिस चलते। मयंक ट्रस्ट मी, ऊपर बहुत सुंदर व्यू है, तू चल तो। और ऊपर? अरे बस थोड़ा सा आ जा। अरे यार कहाँ ईंट पत्थर में लेके जा रही है। आजा आजा। अरे यार आजा आजा। वाह यार क्या व्यू है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हो गया बहुत सुंदर है, चलें अब। अरे कहाँ जाना है, मैंने टेंट लगवाया है, आज हम यहीं रुकेंगे। यहाँ? हाँ यहाँ पे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या, हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं, कोई जंगली जानवर आके खा गया हमें तो, और कोई लूट के चला गया तो। नहीं 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 यहाँ नहीं रुक सकता मैं। अरे मयंक बिल्कुल सेफ है, जिस बंदे ने टेंट लगाया उसने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर नहीं घूमते, और पीछे घर भी तो है, एकदम सेफ है। अरे यार नहीं यार मेरे को सेफ अनसेफ कुछ नहीं पता, मैं नहीं रुक सकता ऐसी जगह पे, इससे पहले अंधेरा हो जाए, चल चल चल। अरे यार क्या हो गया, पूरी ट्रिप पे हमने सिर्फ तेरे हिसाब से चीजें करी है, मयंक को कहाँ खाना है, मयंक को कहाँ जाना है, मयंक को कहाँ रहना है। मुझे लगा था कि हम आए हैं ट्रिप पे तो हमारी बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन चार दिन से मैं तेरे वजह से तेरे लिए माल रोड के चक्कर लगा रही हूँ। आज मैंने बोला ट्रेकिंग करनी है तो क्या हम ट्रेकिंग नहीं कर सकते, हम पूरी ट्रिप पे सिर्फ मयंक 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 क्यों कर रहे हैं यार। अगर ऐसी बात है ना तो अकेला क्यों नहीं रहती तू, मेरे साथ क्यों रह रही है, छोड़ देना मुझको। क्योंकि तेरे को गाड़ी चलानी आती है। सिर्फ गाड़ी के लिए आई थी ना तू मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है फिर। कहाँ गया था?
करे जा रही है ना तू, पानी लेने गया था वो उतने दूर घर पे, क्योंकि पानी की बोतल तो हम 50 किलोमीटर नीचे छोड़ के आए गाड़ी में। और सुन, ये जो पानी है ना, इसको ना हिला के मत पियो। तो फिर कैसे पियूं बिना हिलाए? ऐसे। लगी वीडियो कमेंट्स में जल्दी बताओ, और तुम्हारे साथ पहाड़ों में क्या क्या हुआ है वो भी बताओ। ये हाँ, ये जरूर बताना कि ये चटनी नहीं, ये तो मुझे ऐसे लगा कि चटनी ये बात जरूर बताना कि कौन से पार्ट से आपने सबसे ज्यादा रिलेट करा है, क्योंकि हमने तो बहुत सारी चीजें मतलब रियली दिखाई है। जो 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 हमारे साथ हुआ वो हमने उसकी वीडियो बना दी है, अब आप लोग के सामने वीडियो है। इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फैलाओ वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो बेस्ट पार्ट, और सब्सक्राइब तो करना ही है। सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे जो भी वीडियो आएगी वो पता ही नहीं लगेगी, तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे जो भी वीडियो है आपको पता लग जाए। बहुत सारे काम दे दिए करने के लिए। हाँ, इतने तो हम एक दिन में नहीं करवा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आगे जो वीडियो है वो पता लग जाए। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू लव यू लव यू लव यू।